When you're watching your favorite video, you don't want a break, do you? Take Bina Break. Download Tuck app. नर्मदा नदी न्यास आयोग के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने नर्मदा में अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए दो दिन पहले अपना आंदोलन शुरू किया था, जो कि अभी चल ही रहा है। कंप्यूटर बाबा ने कई साधु संतों के साथ नर्मदा किनारे 150 पेड़ पौधे लगाए और नर्मदा की सफाई की। नर्मदा की सफाई और अवैध खनन को रोकने के लिए कंप्यूटर बाबा और साधु संतों की टोली नर्मदा किनारे डेरा जमाई हुई है। कंप्यूटर बाबा के साथ बड़ी संख्या में साधु भी मौजूद हैं। बाबाओं की टोली ने सबसे पहले पूर्व सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में नर्मदा तट को चुना है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कंप्यूटर बाबा ने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। कारगर साबित हो रहा है तभी तो हम लोग कर रहे हैं। अभी लगता है जो रेत माफिया, उनको लगता है अभी बीजेपी की सरकार है, अभी शिवराज की सरकार है, क्योंकि शिवराज सरकार ने जिस ढंग से भ्रष्टाचार किया था, शिवराज जी ने खुद अपनी ही विधानसभा में सबसे ज़्यादा, यदि मध्य प्रदेश में कहीं रेत अवैध खनन हुआ है, माँ नर्मदा का सीना छलनी हुआ है, तो ये बुधनी ही विधानसभा है। और हमने भी बुधनी क्षेत्र से ही हमने शुरुआत कर रहे हैं। ये जो वो कमलनाथ सरकार है, और कमलनाथ सरकार ने जो वचन, उनका जो मन था, जो मनसा थी, और जो उन्होंने प्रण किया कि नर्मदा स्वच्छ रहे, कलकल बहे, नदियाँ कलकल बहे, उसी के तहत हम संत समाज में को जो उन्होंने अपना भरोसा जताया है कि साधु संत जो हैं नर्मदा को बचाएंगे, इसलिए एक आयोग बना दिया है, और उसमें मुझे संतों को जो काम सौंपा है, आज उसी के तहत हम पूरे संत समाज, हजारों की संख्या में साधु संत आ रहे हैं। आज हम बिजासन यहाँ सलकनपुर माता मंदिर पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ लगातार आज दिन भर और रात भर आते रहेंगे महात्मा। और यहाँ से हम लोगों ने यहाँ दो तीन हम लोगों ने चुना है, एक आंबा है, एक दिमावर है, और उसके पास में और भी है जो बड़गांव है, वहाँ हम लोगों ने सैकड़ों संतों के साथ में, हजारों संतों के साथ वहीं रहेंगे, वहीं भजन करेंगे, पूजन करेंगे, और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। साधु संत पेड़ भी लगाएंगे, पौधा भी लगाएंगे, और वहाँ स्वच्छ सफाई भी, नर्मदा की हम लोग सफाई भी करेंगे, और तीसरा जो पेड़ काटते हैं उसका संदेश देंगे कि पेड़ ना कटे, और जो पेड़ काट रहा है उस पर कार्रवाई भी कराएंगे। और चौथा जो हमारा पॉइंट है विशेष, कि जो नर्मदा अवैध खनन जिसमें रेत चोरी से निकाल रहे, हमारा मन है, हमारी मनसा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मध्य प्रदेश सरकार ने एक नीति बनाई है, रेत नीति, कि कैसे निकालना है, आप उस नीति से निकालेंगे हमें कोई हर्जा नहीं, पर यदि आप चोरी से निकालेंगे तो किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। मैं रेत माफियाओं से कहना चाहूँगा कि ये शिवराज की सरकार नहीं, कमलनाथ की सरकार है, अब भरोसा छोड़ दे। 15 साल खूब तुमने आनंद लिया है, अब तो किसी हालत पे ये बाबा लोग ना नर्मदा पे और ना नदियों से अवैध खनन तो नहीं निकलने देंगे, चाहे जो। 25 तारीख के दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अवैध उत्खनन को लेकर आपकी सरकार को घेरेंगे। उनको शर्म आना चाहिए कि वो 15 साल उन्हीं ने तो ये बो दिया है। मैं कह रहा हूँ 15 साल का कचरा हमें उठाने के लिए जो मिल रहा है, हम इसको धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं। मीडिया के बंधु हम बार बार पूछते हैं कि बंद नहीं हो रहा, अरे 10-15% हम लोगों ने एक साल में बंद किया, और एकदम से बंद तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 15 साल का जो इन्होंने रेत छलनी करी है, माँ नर्मदा की जो सीना है वो छलनी किया है, उसके लिए तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। पर हम लोग अनिश्चितकाल के लिए पूरा साधु समाज बैठ रहा है नर्मदा किनारे, कभी यहाँ, कभी दूसरा घाट, कभी तीसरा घाट, अब हमारे महात्मा नर्मदा को बचाएंगे, और कल कल जो हो नर्मदा का जो स्वच्छ जल बहे उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। इसके साथ ही कंप्यूटर बाबा ने रेत माफियाओं को भी चेतावनी दी। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा को मौजूदा सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इससे पहले उन्हें पिछली शिवराज सरकार ने भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल कर कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। सीहोर से नावेद जाफरी की रिपोर्ट।